एक अनजन्मी लड़के की पुकार, एक बार तो देकर देखो मुझे जीने का अधिकार, एक बार तो करने दो मुझे शिक्षा का श्रृंगार, बस करो थोड़ा सा विश्वास, फिर आपको चारों ओर सुनाई देगी लड़कियों की ही जय जयकार। आज लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उसके जीवन में खतरों की कहानी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, फिर शिक्षा, शादी इत्यादि। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़कियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए मसीहा बनकर आए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। आइए देखते हैं क्या क्या कदम उठाए हैं उन्होंने अबला को सबला बनाने के लिए। तो भाई ध्यान से सुनिए, आप अपने आप को मर्द कहलाते हैं और अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल करते हैं और पशुओं के आगे फेंक देते हैं। लड़ते हैं ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से बेटी का कत्ल करते हैं। और वो मां जो भगवान का रूप कहलाती है, जितने फरिश्ते जितने अवतार पैदा हुए मां के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन जो मां अपने हाथों से अपने गर्भ में बेटी को मरवाती है, धर्म में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम दायन कहा जाता है, बेरहम दायन लानत। भाई अगर आपके बेटियां ज्यादा है कि हम शादी नहीं करवा सकते, तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं वो बेटियां आप हमें दे दीजिए, हम उनको अपना नाम देंगे। या हमारी करोड़ों बेटियां हैं वहां, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 18 बेटियां हैं। आपको फोटो दिखाते हैं उनकी, वो हमें मम्मी पापा मानते हैं, एसी रूम्स हैं वहां और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर भी बन चुके हैं, वो नेशनल में गोल्ड मेडल भी लेके आए और 94% नंबर आ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में। तो हो सकता आने वाले समय में वो समाज को सिखाएं, हमें तो मार देना था, हम भी देश के लिए भला और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे पापा जिन्होंने हमें कूड़े के ढेर से उठाया, कुत्तों के मुंह से बचाया, समाज के दरिंदों से बचाया, जिन्होंने हमें भ्रूण हत्या से बचाया, जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना खेलना सिखाया और समाज में इज्जत की जिंदगी दी, अगर आज उन्होंने ये सब ना किया होता, क्या मैं देश में गोल्ड मेडल ला पाती या फिर पढ़ाई में टॉप 10 में आ पाती? है आपके पास कोई जवाब? मेरे पास है, ये सब है मेरे पापा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की बदौलत। अगर आज वो मुझे यहाँ ना लेके आते, मुझे ना बचाते, तो मैं ये सब कर पाती मैं तो यहाँ होती भी ना। हाँ दीदी, हम भी ना होते। हाँ दीदी, हम भी ना होते।